मोहसिन साहब से मशायक एसोसिएशन का जो ये हम बोर्ड बनाने की बात कर रहे थे, तो मैं जकाउद्दीन साहब के अंदर ऐसी बेहतरीन खूबियां खिदमत करने की देखा था कि वाहिद ऐसे शख्स हमको मिलना ये हमारे नसीब की बात है। तो साहब आप नेक इरादे से आगे बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर साथ देंगे आपको, बोल के बोला था। तो उस वक्त क्या है, चंद लोग हमारे मजर साहब नूरुल्लाह खादरी साहब, हमारे सैफुद्दीन साहब, आरिफ साहब, मुश्ताक साहब, हम चंद लोग थे। तो एक आवाज ऐसी लगाए जकाउद्दीन साहब, तो महल में महल वाले देख के दंग हो गए, कान के मशाइख आगे रहे महल को कि क्या चलता है यहाँ पर। तो देखे यहाँ पे क्या है, जैसा कि नियत अगर साफ होती है तो आज देखो जहां भी जाते हैं कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस होता है। जो मशाइखिन एक ऐसा नेक कदम उठाए, हाल ही में आरिफुल्ला साहब से मुलाकात की थी, बिल्लू आए थे बारह से, तो क्या बोले, तारीफ करने लगे जकाउद्दीन साहब की, इतना अच्छा कदम उठाए उन्होंने, उनको साथ देना पड़ता है, आप सब जने मिल के साथ देंगे, उनको साथ देने की जरूरत है, हम अभी भी पीछे पड़ गए तो आगे नहीं जा सकते, ऐसा बोल के बहुत सी तारीफ करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिला के कमेटियों का जो आगाज करे थे उस कमेटियों की लिस्ट भी बन गई, और नेल्लूर की, नंदयाल की, जितने भी स्टेट के जहाँ जहाँ तक हम लोग जो वर्कआउट करे थे, जहाँ जहाँ तक मुलाकात करे, सबकी लिस्ट भी बन गई, सब कमेटियाँ भी तैयार हो गए। तो जो पहली मीटिंग में मैं एक बात बोला था, सारे लोगों के समेत बोला था, साहब ये जो इकट्ठा करना है सब लोगों की यूनिटी बनाने का बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बोला, बहुत मुश्किल काम है, अगर ये कामयाब हो गया तो हमारी बुनियाद पड़ गई समझे बोले ऐसा है आगे। क्योंकि उस वक्त का ऐसा सिचुएशन था कि हम आगे मिलके जा सकते या नहीं बोल के, क्यों बोले तो साहब बोले जैसा कितने की तंजीमा बने, बड़े बड़े लोग पाए बुजुर्गा बने तंजीमा, मगर इख्तलाफात आ गए अंदर, छोटे मोटे बातों को लेके उन यहाँ बैठा, मैं यहाँ बैठना क्या, मुझे नाम लिया नहीं, मेरा नाम पेपर में डाला नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मुझे बोल को करे नहीं, ऐसे छोटे 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 क्या होने का, बड़े हो जाओ तो तंजीमा ऐसा रुक जाते रहिए, बनने से पहले या तो रुक जाते रहिए, बन के रुक जाते रहिए, बन को थोड़ी देर के बाद तो थोड़े कार्रवाई होने के बाद रुक जाते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फखर से बोलता हूँ मैं, जकाउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करते बोलता हूँ, इतनी बड़ी मैं तारीफ नहीं करता हूँ, मैं इतना आगे लेकर चलना बोले तो बहुत मुश्किल की बात, सारे हजरत इसके ऊपर गौर करो, क्यों बोले तो कई तूफानों का सामना करे हो, मतलब कई मुश्किल आए होंगे आगे, कुछ लोग ऐसा बोले ग्रुपों में खुद डाले, कौन होते होंगे उन्होंने बनाने वाले, उन्होंने कौन जी बनाने, तुम्हें कौन जी जाने, तुम्हें कौन दिन जी अथॉरिटी बनाने का, कितने के करे क्या साहब, कब भी फोन करो, बाबा हमारा मकसद ये नहीं, इनको जवाब देना हमारा मकसद नहीं, हमें खिदमत के लिए उतरे, हमें हुकूमत करने के लिए उतरे, उसके लिए बाबा खामोशी अख्तियार करो, साहब मैं तो भी कुछ बोलता हूँ साहब, नक्को बाबा कुछ भी नक्को बोलो, इसका जवाब मेरे पास है, रहे तो अपने पास रख लो बाबा, इससे भी कुछ भी नक्को बोलो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी अगर किसी को खराब करना होता क्या करता, चंद बातें बोल देता, जज्बात में आ जाता, उन्हें भी एक बोल देता, वो भी एक बोल देते, अब सब क्या करते, नकल है भाई, असल ये रुका डालेंगे, सिर में दर्द आता है, सब जगह लड़ लेते हैं, बोलते आज इतनी खुशी बीच में उन्हें रहता, उसका स्कीम ही वो उन्हें आगो क्या करता है, तो अब जरा जाओ उसमें जहर डाल के जाता। आज मस्जिद बुखारिया में शायद सही भी, आज मस्जिद बुखारिया में जितने आगो है उलेमा सबको देखो बहुत खुशी मालूम है सर, हम लोग देखो मुसलमान ऐसे कोशिश
चिंता करो, मैं आज तक ऐसी सिचुएशन देखा नहीं। देखा तो एक देखा मैं, बहुत सारे एनआरसी का देखा। एनआरसी में क्या हुआ, कहाँ यहाँ से भगा डाल देंगे, कहाँ हमारे आस्था ले लेंगे कर बोल को भाई। जमात क्या भी नहीं, हमें सभी कल में की निस्बत को आ जाएंगे कर बोल को। पूरे नया साहब को 70% बैठे हैं नलून में, क्या वो पूरे सलामा में गलत नहीं सुनो, एक को एक है ना मशवरे कर लेते बैठी। अब वैसा क्या करते हो, ऐसा बैठना मैं देखा नहीं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये, और ये साफ नियत से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस तरह जकाउद्दीन साहब की जो नियत है, उनके हम ख्याल रखते हुए सच सब जुड़े, उसके बाद जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह। शायद बोले जगह साउथ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया, पूरे दूसरे स्टेटों में भी मशायख बोर्ड का जो असर जो हम करते हैं, इसका पॉजिटिवनेस उनका लेकर उन्होंने खुद एक बोर्ड बनाना बोल को बैठना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या बोले तो आप लोग सभी मशायख बोर्ड के लिए ऐसे छोटे छोटे कुछ इख्तलाफात आए तो कौन भी क्या तो भी बोले, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अंदर और जिला लेवल की कमेटी के अंदर सदर को कुछ गुस्सा आ गया, कुछ जज्बात में आ गए, सेक्रेटरी कुछ बोल दिए, तो ये चीज़ों को पूरे क्या करते इसे नज़रअंदाज करते हुए, हमारा मकसद ये नहीं, हमारा मकसद खिदमत करने का है। आज हमारा मकसद जो है, जब से एक हजरत मस्जिद में बोले, एक जो ईसाइत ईसाइत का दबदबा इतना है, ईसाइत को कोई भी बोलने डरता आज फेसबुक में सोशल मीडिया में एक भी नेगेटिव कमेंट ईसाई को रखने डरता है। हमारे जैसे जज्बात ईसाई के नन्हे है, हम जैसा टुटको जाती है वैसा ईसाई आता नहीं, फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं है तो उससे कमेंट करने डरता है। आज हमारा एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आ गया तो हजारों के हमारे ऊपर नेगेटिव कमेंट कर, हालांकि उसका पोस्ट डालो, बाराशेर का पोस्ट डालो, नहीं किसी मौलवी का बयान का पोस्ट डालो, किसका भी, उनको जमात से मतलब नहीं, उनको सिर्फ नाम से मतलब, नाम मुसलमान वाला होना हो। जमात हमें देखती, गैर देखता से क्या हो, इन्हें हमारा या हमारा नहीं, यश देखता हो। उसके वजह से क्या बोले तो आज हमें लोग ऐसा इकट्ठा होकर एक ऐसा पैगाम देने जाते हैं जैसा ईसाई जो करते खिदमत। ईसाई की खिदमत क्या है, एजुकेशन देना, दूसरा क्या कहते इलाज, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। आज ये डॉक्टर से मुलाकात करना का तो बहुत बड़ा डॉक्टर है भाई, बच्चे का ऑपरेशन करना, किसी भी तरह मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मेरा माल गया तो परवाह नहीं, उससे मिलना करे। आज वो हमारे कितने ही बड़े आलिम है, उलमा है, मशाखिन है, तो इतना इंटरेस्ट दिखाता नहीं आजकल इंसान में। आजकल का सिचुएशन क्या है, 10 साल के वाला अलग था, 20 साल के वाला अलग था, 40 साल के वाला अलग था। आजकल के हालात के हिसाब से हम जिस तरह से मशायख बोर्ड के बारे में समझाना समझते हैं, आजकल कोसी जबान से आजकल का नौजवान समझता, कोसे जुमले बोले तो उसके अंदर जाता, जैसा कि फैसिलिटेशन, मोटिवेशन, स्ट्रेटेजी। फैसिलिटेशन बोले तो जो भी हमारे तरफ तवज्जो होता है उसको आने के लिए सहूलत देना। तू क्या करता रे मशायख बोर्ड में आगो, तू बेकार है, तू बोलना नहीं, तू क्या करता की वॉच कर, तू क्या कर सकता, तू वॉच कर, तू मुझे क्या भी आता नहीं, मैं झाड़ दू, हाँ तू झाड़ता छोड़ो, तू मैं शायरी बोल दू, तू शायर निकलता रहो, वो तश बन गई, तेरा क्या काम नहीं यहाँ कर बोलते। उसे क्या बोलते फैसिलिटेशन, फर्स्ट क्या बोलना, उसे सहूलत देना, कोई भी आंदे तेरा नाम क्या हो, नाम के पीछे क्या है, नाम के सामने क्या है, ये जरूरत है, आंदे उसे तो क्या है, उससे क्या होता, मजमा जुड़ता, यूनिटी बढ़ती। यूनिटी क्या है, हमारा फाउंडेशन है। यूनिटी के बाद क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन बोले तो जैसा कि आज बैठे साहब खिमला, जो भी तजुर्बा सुने बड़े लोग सभी बोले, जो भी बोले हमारे खाजी साहब है उनका भी तजुर्बा बोलते, ऐसा क्या बोले तो मोटिवेशन। आज हमारे अंदर क्या है, थोड़ा जज्बा रहता, अब बुलाए हम लोग घर पे बुलाए, बुलाने के बाद उनके अंदर क्या रहता, थोड़ा जज्बा रहता, उसका हौसला अभी बढ़ता, इसको मोटिवेशन बोलते। उनके साथ हमें बैठे हमारा हौसला भी बढ़ता, करते में गए भाई हमें एक जगह बैठे, हमें बात करे, उन लोगों को भी इंटरेस्ट है, उन्हें भी दिलचस्पी है, नौजवान है, आने वाले हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमें दुआ करते हमें भी आगे बढ़ते। उसके बाद हिकमत स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे मकसद के लिए हमें क्या करना,
हमारे मकसद के लिए जो मकसद हमें लेकर निकले उसके लिए क्या करना। कई कई ऐसे हालात आ जाते हमारा काम बिगाड़ने की वजह से, जैसा कि खाजी साहब बोले सका शैतान कितने की रकम के स्कीमा ले लगवाता, उसमें क्या होता वो किधर से आता ये हम लोग कुछ मालूम होता नहीं आ जाता हम आगे। उस टाइम पर हिकमत, उस टाइम पर हिकमत काम आती, स्ट्रैटेजी बोले तो हिकमत। वो हिकमत से क्या है जो चीज़ें पहले बनाए हमें वो चीज़ें डैमेज हुए नहीं सर का, वो हिकमत को हमें ले को आगे बढ़ को समझाने वाले को समझा को डराने वाले को डरा को, जैसा जैसा बैलेंस था वो बैलेंस को आउट करें नहीं सर का, वो बैलेंस से क्या रखा तो हमें आगे बढ़ना। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फाइनल स्टेज है जब हमारे कामयाब हमें मंजिल तक पहुँच सकते, जब क्या एक का नहीं हुआ कामयाबी मशाक बोर्ड की कामयाबी बोले सकाउद्दीन साहब कैसा है, गाड़ी चलाने वाला एक जना रहता, सब जने बस में बैठते मैं भी गाड़ी चला दूँ तो गाड़ी गिर जाती, एक ना चलाने वाला एक ना संभालने वाला एक ना रिपेयर करने वाला एक ना पहुँचने वाला, ये सब मिलकर एक सफर करने हमें निकले। निकले स्टेप को जैसा उन्हें एक जिम्मेदारी लेते हैं वैसा खाजी साहब एक जिम्मेदारी लेते हैं, हमारे सिराज बुखारी साहब एक जिम्मेदारी, हमारे सैफुद्दीन साहब आरिफ साहब ऐसा, हमारे मजहर साहब ऐसा, मजहर साहब तो आधी रात को फोन कर दो गाड़ी में जोड़ो थैली डॉक्टर साहब मैं घबरा हो गया साहब क्या साहब इन्हों इसका सफर इन्हों क्या वैसा बोलते पहले मैं भी क्या समझा क्या भाई चुप मैं बोलना दे रहा शायद ही बोल रहा, लेकिन कोच होना आज वो देख को हमें क्या करते उनका देख को हमें सीखी। मैं खुद बोलता हूँ भाई शर्माने की जरूरत क्या नहीं, उनका देख को मैं सीखी उनसे ज्यादा मैं भी क्या क्या करना बोलता मेरा देख को और गिना सीखता और गिना का देख को और गिना। इंशाल्लाह हमारा मकसद नेक है, यहाँ तक अभी बोल देंगे तो बहुत चीज़ा है, इससे आगे बढ़ने के लिए हम लोग का इसे मकसद में हमें कामयाब होने के लिए और क्या क्या करना क्या है बोल के ये कमिटियाँ पूरे मुकम्मिल होने के बाद हमें लगा उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, इसके लिए क्या है प्राजेक्टा बनाने का है। प्राजेक्टा बोले तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो जो काम करने के लिए हम लोग को बिल्डिंग होना, वो बिल्डिंग क्या है वो बिल्डिंग बनाने के लिए अखराजात भी होना, टिंग नहीं तो क्या होता वो होना सच है। अब उसके वास्ते भी क्या करते एक रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जने क्या करते भाई ये नेक काम के वास्ते हमें आगे बढ़ती पर को आते हैं, वैसा क्या करते देने वाले भी होना इसमें दिलाने वाले भी होना जागो ले लगाने वाले भी होना ये पार्ट इसमें तो पूरा बेस पार्ट ये भी एक पार्ट करने पर। उसके बाद साहब क्या कर रहे हैं पहली बार रहे बाबा हमें पहली चीज ही हमें डोनेट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह साहब क्या कर तो बहुत अच्छा ख्याल आया साहब को हमारे जो जमीन है हमें डोनेट करेंगे वहां से शुरू करेंगे उसके बाद का किस्सा कैसा है कि चलेंगे बोल दो साहब क्या बोले फर्स्ट हमें फाउंडेशन डालना लेंगे हमारा काम शुरू करेंगे बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह गए सभी काम चल रहा है उसके बाद पूरे दौरे चलने के तो मेरा पूरा कहने का मतलब क्या बोले तो जिस मकसद से हम लोग निकले उसके वास्ते बहुत से कुर्बानियां देने का काम पड़ता बहुत से मुश्किलों का भी सामना करने का काम पड़ता बहुत सी कुछ ऐसी जगह पे बेइज्जती भी होने का काम पड़ता। ऐसा नहीं कि आसान है ये डिफिकल्ट है, आसान क्या भी नहीं चार जने बैठ गए चार जन जमा लो भाई नामा लिख लो ऐसा नहीं होता, ये खाली हमारा दिस्ता सो पॉजिटिव है होता है। इसका नेगेटिव पलटा को देखो तो बहुत मुश्किल होता इन्हें क्या करते हैं इनको क्या काम यूनोज कहीं करना हमें करते नहीं क्या हमें करें नहीं तो भी हमें खराब कर सकते नहीं क्या कहते से एक पार्ट है। दूसरा क्या रहता गवर्नमेंट को भी बैलेंस करना कहता सियासतदाना भी इसमें जुड़कर होना सियासतदाना को भी क्या कहता समझाना हमें समझा को हम लोग तुम्हें यह रकम से तुम्हें साथ दे कर बोल को बोलना हमें कोई पार्टी के खिलाफ नहीं या तो हुकूमत के खिलाफ नहीं वैसा कर बोल को हमें खुद क्या की बना डाल को हुकूमत को हमें ये करना कर को हमें कभी भी हमारे एजेंडे मैच नहीं हो हम लोग जो चीज है होना सिर्फ उसके लिए हमें लोग काम करते हैं। तो होम की खिदमत इसमें कोई जमात देखते नहीं होम की नहीं आवाम की भी खिदमत कर रहा है इंशाल्लाह। जैसा कि अब हमारे नेल्लूर में जय भारत हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल किसकी है आरएसएस की है हाँ मुसलमान गया तो एडमिशन मिलता मुसलमान को ट्रीटमेंट मिलता
इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल में वैसी छोड़ी उन कौन भी रंग अगर आ गया तो उसे ट्रीटमेंट भी मिलता, एडमिशन भी मिलता, अगर गरीब बच्चे है तो उन बच्चे को पढ़े भी मिलते, वैसा होने जाता। तो पैगाम इंसानियत का देते हुए, खिदमत इंसानियत की करते हुए आगे बढ़ना ही हमारा मकसद है। हमारे मकसद में ना तो इख्तलाफात है, ना तो नुक्ताचीनी है, ना तो चाड़ी चुगली है। इन तमाम चीज़ों से बराए मेहरबानी हम लोग परस करना। अल्लाह ताला सुनने वालों से बोलने वाले को ज्यादा तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस बैठक को कबूल फरमाए। तो इस बात को कहते हुए मैं रुख्सत लेता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।